जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोरब्रेन के थर्ड पार्ट को, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द आउटर पार्ट ऑफ फोरब्रेन, आउटर पार्ट है और ये फोरब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट भी है। आउटर पार्ट होने के साथ साथ लार्जेस्ट पार्ट है और इसके नीचे थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करते हैं स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मूवमेंट। इसके अलावा ये थिंकिंग और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, थिंकिंग एंड इमोशंस के, या आपके सोचने पर भी असर अंदाज होता है। आपकी बॉडी में जो हरकत होती है, बॉडी की बोन्स मसल के साथ जुड़े होते हैं, ये मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की वजह से हरकत करते हैं और ये मूवमेंट को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, जो अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं। और इन एक्शन को परफॉर्म करवाने वाले फोरब्रेन का जो हिस्सा हेल्प करता है वो सेरिब्रम है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को, कि ये जहानत को भी कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सेरिब्रम के, के राउंड शेप या स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड और स्फेरिकल में डिवाइड होता है, जिसे हेमिस्फीयर सेरिब्रम कहते हैं। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, जिसको हम नाम देते हैं हेमिस्फीयर सेरिब्रल। ये अल्टरनेशन बॉडी साइड को कंट्रोल करते हैं, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं। यानी के अल्टरनेशन का मतलब है कि अपोजिट साइड के, अगर हेमिस्फीयर की राइट साइड है और एक हेमिस्फीयर की लेफ्ट साइड है, हेमिस्फीयर की राइट साइड बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगी, सिमिलरली हेमिस्फीयर की लेफ्ट साइड बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगी, राइट साइड पे इफेक्ट होगी। हेमिस्फीयर सेल को डिटेल में जाकर डिस्कस करें तो हमें दिखाई देता है किसकी फ्रंटल साइड यानी के सामने वाले हिस्से पर ऑलिफैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं, जिसे ऑलिफैक्टरी नर्व्स आती हैं। मीन के अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इधर बिल्कुल सामने क्या मौजूद होती हैं, ऑलिफैक्टरी बल्ब्स।
ऑल्फैक्टरी बर्ड नोज से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं जो कि बिल्कुल ही ब्रेन के सामने मौजूद है, सामने वाली साइड पे ये नर्व इंपल्स को रिसीव करती हैं और स्मेल की सेंसेशन करवाता है। नेक्स्ट, सेरेब्रम की आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं। इस लेयर को क्या नाम देते हैं? कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स की फर्दर टू लेयर्स हैं। ये हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की फर्दर कितनी लेयर्स हैं? टू लेयर्स हैं। जो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर होती है वो ग्रे मैटर से बनी होती है। के आउटर लेयर है जो कॉर्टेक्स की, वो बनी होती है ग्रे मैटर की। और जो कॉर्टेक्स की इनर लेयर है वो बनी होती है वाइट मैटर की। दोनों में डिफरेंस क्या है? कि ग्रे मैटर जो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, और वाइट मैटर में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। हमने डिस्कस किया था जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो फैट से और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, और फैट्स और लिपिड का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इसी वजह से इनर लेयर क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। और आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स को फर्दर फोर लूब्स में डिवाइड किया गया है। इन चारों लूब्स के अहम फंक्शंस क्या हैं और ये हमारी बॉडीज को किस तरह हेल्प करते हैं ये डिस्कस करते हैं। फोर लूब्स हैं। फर्स्ट लूब का नेम है हमारे पास फ्रंटल लूब। सेकेंड लूब है हमारे पास पैरिटल लूब। थर्ड लूब है हमारे पास ऑक्सिपिटल लूब। और फोर्थ लूब है हमारे पास टेम्पोरल लूब। टेम्पोरल लूब। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो सपोज दैट अगर हम सेरेब्रम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सपोज करें हमारे पास क्या है? सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये जो कवरिंग है ये हमारे पास फर्स्ट वाली जो है ये हमारे पास है फ्रंटल लूब, और उसके बाद हमारे पास इधर तक है पैरिटल लूब। और पैरिटल लूब के बाद है हमारे पास जो थर्ड है वो है ऑक्सिपिटल लूब। और इसके नीचे जो मिड में है वो है हमारे पास टेम्पोरल लूब। सेरेब्रम के ये चार लूब मदद देते हैं सेंसेशन में, रियलाइज करते हैं सेंसेस को, और इसके अलावा ये हमारी सेंसेस को यूटिलाइजेशन करने में
अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम फर्दर वन बाय वन करके चारों लूप्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर हम फ्रंटल लूप की बात करें तो इसका काम मोटर फंक्शनल को कंट्रोल करना है, यानी मोटर न्यूरॉन्स के जरिए कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जो इंफॉर्मेशन जाती है ऑर्डर्स की सूरत में जाती है, जो आप द इफेक्टर रिस्पांस शो करते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन्स की नर्व इंपल्स की कोऑर्डिनेशन में मदद देता है। और इसके अलावा ये हमारी स्केलेटल मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ड्यूरिंग स्पीच के बोलने के दौरान होने वाली हरकत को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरिटल लूप की, फ्रंटल लूप क्या करता है, मोस्टली स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें पैरिटल लूप की, तो पैरिटल लूप स्किन से रिसीव होने वाली मालूमात को नर्व इंपल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करके ऑर्डर्स देता है, यानी स्किन से आने वाली सारी इंपल्सेस पैरिटल लूप के पास आती हैं। स्किन की इंफॉर्मेशन को ये मोस्टली रिसीव करता है। अगर हम बात करें ऑक्सिपिटल लूप की, तो ये हेल्प करते हैं वीएन में, कि ये सेंसेस ऑफ वीएन में मदद देता है। सेंसेस ऑफ वीएन मीन के देखने में हेल्प करता है, यानी के इसका काम देखने से मुतालिक है, विजुअलाइजेशन को रियलाइज करवाने में मदद देता है, इमेज के बनने में किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पोरल लूप। इसका काम सुनने और सूंघने की सेंसेस से ताल्लुक रखना है, यानी के ये सेंसेस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है और हेयरिंग्स को भी कंट्रोल करता है, उससे आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंपल्सेस को रिसीव करता है। टेम्पोरल के टू काम्स हैं, एक ये सेंसेस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है और सेकंड हेयरिंग से आने वाले इंपल्सेस को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम के फंक्शंस में हमने डिस्कस किया था कि सेरेब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये स्केलेटल मसल सोचने और इंटेलिजेंस और इमोशंस को कंट्रोल करता है। हमने डिस्कस किया था इसके टू पार्ट्स थे, जिसको हमने नाम दिया है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर था और एक राइट हेमिस्फीयर था, और ये दोनों बॉडी के अल्टरनेशन काम करते हैं कि जब बॉडी की लेफ्ट साइड इफेक्ट होगी तो राइट के ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, और जब बॉडी की राइट साइड में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सामने ऑल्फैक्टरी बस यूथ होते हैं,
जो के नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इनके स्मेल सेंसेस में हेल्प करते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की आउटर लेयर को हमने नाम दिया था कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर थी वो ग्रे मैटर से बनी थी और इनर लेयर वाइट मैटर से बनी थी। उसके बाद सेरिब्रम के फोर लूप्स थे। फर्स्ट लूप था हमारे पास फ्रंटल, सेकंड पैरेटल, थर्ड ऑक्सिपिटल और फोर्थ हमारे पास क्या था, टेम्पोरल लूप। और इसके बाद हमने इन सब के वन बाय वन करके फंक्शन डिस्कस किए थे। दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक। थैंक यू।